अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। माय नेम इज़ मुनव्वर यासीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जावेद पब्लिशर्स की किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 3 की बुक को डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर 1। और SLO हमारे पास है प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट। तो चलिए इसको करने के लिए हम बुक के पेज नंबर 13 पे चलते हैं। सो डियर लिसनर्स, पेज नंबर 13 पे हमारे पास मेन हेडिंग है प्लेस वैल्यूज ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट। यानी अब हम एक नंबर जो कि 5 डिजिट होगा उसकी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। सो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इस टॉपिक को करने के लिए आपको अपने माइंड में पहले नंबर्स को 4 डिजिट प्लेस वैल्यू में कैसे लिखते हैं ये चीज़ ले आएँ, तभी आपके लिए आसानी होगी कि आप एक नंबर को 5 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं उसकी प्लेस वैल्यू के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ लिखा है, वी हैव ऑलरेडी रेड दैट 9999 इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। असल में आपके पास जो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है वो है 9999। इसके बाद अगर कोई नंबर आप बनाएंगे, लेट्स कंसीडर अगर आप इसमें 1 ऐड कर दें, यहाँ लिखा है कि एडिंग 1 मोर टू 9999 मेक्स 10,000। यानी अगर आप इसमें 1 ऐड कर दें तो जो नया नंबर बनेगा वो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा बल्कि वो होगा 5 डिजिट नंबर। तो यहाँ से पता लगा जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपके पास जो होगा वो आपके पास कौन होगा, 9999। इसके बाद जो आपके पास बनेगा नंबर 10,000 वो कहलाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि है 10,000। सो अब हम देख सकते हैं कि अबाकस की जो पिक्चर बनी है 5 डिजिट के लिए, इसके अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ स्पाइक्स की कितनी ज़रूरत है, 5 स्पाइक्स की, ताकि हम 5 डिजिट नंबर में हम हर एक डिजिट की प्लेस को मेंशन कर सकें। सो आप देखें इस पिक्चर में जो सबसे राइट साइड पर 0 है, 10,000 के लिए जो पिक्चर बनी है 0 जो है राइट साइड पे वो 1s प्लेस पर है, फिर उसके बाद जो लेफ्ट पे 0 है वो 10s प्लेस पर है, फिर उसके साथ जो 0 है वो 100 प्लेस पर, इसी तरह से उसके साथ वाला 1000 प्लेस पर। और ये जो 4 प्लेसेस थी इसके बारे में तो आप जानते हैं, अब जो प्लेस आ रही है जो मोस्ट लेफ्ट पर है वो प्लेस कहलाती है 10,000s प्लेस। क्या कहलाती है, 10,000s प्लेस। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी हो गई, 5। अब देखें इसको हम रीड करते हैं, यहाँ पर जो लिखा है 10,000 इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्यों स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इसके बाद जो बनेगा वो आप 1 ऐड करके बनाएंगे तो वो नंबर इस 10,000 से बड़ा होगा। तो यहाँ से पता लगा कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन है, 10,000। तो अब हम ज़रा इसको चार्ट के ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू के साथ यहाँ देख सकते हैं, 1s प्लेस पे 0 है, फिर 10s प्लेस पे 0 है, फिर 100 प्लेस पे 0 है, फिर 1000s प्लेस पे 0 है। तो ये तो हो गया 4 डिजिट तक प्लेस वैल्यू। अब जो न्यू 5th प्लेस आपको यहाँ बताई जा रही है वो है 10,000s प्लेस, जिसके ऊपर आपके पास यहाँ 1 लिखा गया है। क्यों, क्योंकि 1 जो है वो 5th प्लेस पे बनता है। हमने ये कहा था कि हमेशा जो प्लेस वैल्यू है वो राइट साइड से काउंट करना शुरू की जाएगी, पहले 1s प्लेस, फिर 10s प्लेस, फिर 100s प्लेस, देन 1000s प्लेस, और अब यहाँ सबसे मोस्ट लेफ्ट पे कौन है, 10,000s प्लेस। तो 5 डिजिट नंबर के लिए आपको हर डिजिट की प्लेस वैल्यू अपने माइंड में याद करना पड़ेगी, ताकि आप किसी भी 5 डिजिट नंबर के लिए उनकी प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकें। डियर लिसनर्स, उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।